प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र योगी का सत्नमन अभिनंदन। हमें भारतीय होने पर गौरव है और हमें गौरव है इस माता पृथ्वी के, जिस पर अनेक देश हैं और हमारा जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति रही है उसने हमेशा कहा वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोग एक दूसरे को बांटना चाहते हैं और तरह तरह से अफवाहें उड़ा के हमें एकता को तोड़ना चाहते हैं, हमें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में एक भारत की महान बेटी, सच्ची बेटी, झांसी की रानी की प्रतिमा के रूप में हम आपको एक अद्भुत शक्तिशाली रूबिका लियाकत, जो एबीपी न्यूज के एंकर हैं, उनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन लोगों ने इतने अपने ज्ञान की दायरा बढ़ा लिया है कि आसमान से वो ऊंचा पहुंच गया है और पाताल की गहराइयों से भी गहराई तक की ठीक से समझ सकते हैं। और एक दूसरे व्यक्ति को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनके सामने बैठा है फारूक अब्दुल्ला। ये लोग देश के गद्दार हैं, इसके बाप अब्दुल्ला भी गद्दार थे और अपनी खीर टेढ़ी करने के लिए विवादित बयानों में ये उलझे रहते हैं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि रूप क्या लियाकत इनको कितनी अच्छी बात समझा रही हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करिए। प्यारे दोस्तों, बातचीत करने का बहुत प्रयास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा किया, नरेंद्र मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर के शादी में एक व्यक्तिगत दोस्त के रूप में गए और उस प्राइम मिनिस्टर को जब शपथ ग्रहण हो रहा था समारोह तभी बुलाया गया था। सरफनवाज की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। इसीलिए जो भी हमारे भारतीय बात को सुन रहे हैं, कभी भी हिंदू और मुसलमान के नाम पर आप अपना मनसूबा मत तय करिए, अपने मस्तिष्क को मत बताइए और निर्णायक विचार मत रखिए। कोई न हिंदू बुरा है, न कोई मुसलमान बुरा है, और न सभी हिंदू अच्छे हैं और न सभी मुसलमान अच्छे हैं। अच्छे होते हैं इंसान। और रूबिका लियाकत जो भारत माता की बेटी है, सुनिए इसकी क्या गरजती हुई आवाज है जो कि झांसी की रानी की स्वर से स्वर मिलाती है। सब्र के साथ सवाल सुनिए। वाजपेयी जाते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बार वो पीठ पर जख्म देता है। आप कितनी बार आते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बार वो पीठ पर जख्म देता है। आप कितनी बार बातचीत करेंगे, कितनी बार उससे जख्म क्या करेंगे? सबक सिखाएंगे, मुझे बताइए। सबक सिखाएंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। क्या सबक सिखाएंगे? जितने आएंगे उतने मारेंगे। मारते जाएंगे, मारते जाएंगे। कौन रोकता है? जब तक सबक नहीं लेंगे तब तक मारते जाएंगे। कौन रोकता है? अगर उनको दोस्ती की भाषा समझ में नहीं आती है फारूक अब्दुल्ला साहब, तो हम बताएंगे दुश्मनी किसे करिए, क्यों नहीं करते। कौन रोकता है? आते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। क्या करेंगे? बार बारते हैं, मिल के आते हैं और पीठ पर छुरा भोंकता है पाकिस्तान, जख्म देता है करगिल का। प्यारे दोस्तों, तो आपने सुना अभी अभी रूबिका लियाकत। हमें फक्र होता है इतने अच्छे इंसान हमारे देश में। सत्नमन करता हूँ इन बेटियों को, सलाम करता हूँ। हम कभी दुश्मनी नहीं चाहते। रूबिका लियाकत की तरह हमारे हिंदुस्तान की जितने भी महिलाएं, मेरी बहन और बेटी हैं, हम सबों का सम्मान करते हैं। और वहाँ के भाइयों को भी मैं सलाम वालेकुम बोलता हूँ। लेकिन आप लोग यार दहशतगर्दी को क्यों सहारा दे रहे हो, उसको समर्थन क्यों कर रहे हो? अपने देश में उनके अड्डे बना के रखे हो और विद्रोह की भावना से आके हिंदुस्तान में वो खून बहाते हैं। यार हटा दो विद्रोहियों को, हटा दो उन आतंकवादियों को और जिंदगी में अपने देशवासियों के लिए विकास की बात करो। मोदी बहुत प्रयास किया आपसे दोस्ती लगाने का, लेकिन आप लोग पीठ में छुरा भोंकते हो, जो रूबिका लियाकत ने कही। प्यारे दोस्तों, इसमें दो तीन मुद्दे हैं जिसको ध्यान रखिए। कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव की बात मत करिए। बुरा होता है इंसान, न हिंदू बुरा होता है न मुसलमान बुरा होता है। अच्छा होता है इंसान,
न सभी हिंदू अच्छे हैं न सभी मुसलमान अच्छे हैं। रूप क्या लियाकत इसके लिए एग्जाम्पल है, देखिए गरजती हुई शेरनी की आवाज़। और मैं भारत की बेटियों से निवेदन करता हूँ, इनसे सीखिए और इनसे बेहतर बनने की कोशिश करिए और सभी मिलके एक स्वर में बोले कि हम सारे हिंदुस्तानी एक हैं, हम सारे हिंदू मुसलमान भाई मिलके एक हैं, ये देश मेरा है, ये देश के लोग मेरे हैं, इनकी सुख शांति अमन चैन का जिम्मेदारी हमारी है, हम सभी एकजुट होकर हिंदू और मुसलमान एक साथ काम करेंगे देश की प्रगति में विकास में। और कभी भी कुविचारों को अपने दिल में पनपने नहीं देंगे, दिमाग में उसका जहर फैलाने नहीं देंगे तो नया भारत बन के रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बट ये हमारी है शेरनी, यही हमारे हीरो।